नमस्कार, 7i न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। केरला एक्सप्रेस से आगरा से कोयम्बटूर जा रहे 68 लोगों के ग्रुप में 4 यात्रियों की मौत, दम घुटने और ज्यादा गर्मी के कारण हुई मौत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी, इलाके में सेना का सर्चिंग अभियान जारी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर बोला जमकर हमला, कहा पूरे प्रदेश में अराजकता का बन गया है माहौल। बढ़ती रेप की घटनाओं को लेकर भोपाल में बीजेपी ने चलाया पोस्ट कार्ड अभियान, पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे राष्ट्रपति को, कड़ा कानून बनाने की जाएगी मांग। और दमोह में गैस सिलेंडर फटने से पूरे मकान में लगी आग, आग से पूरा मकान जलकर हुआ खाक, करीब 6 लाख के नुकसान की आशंका। और अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दिल्ली से झांसी की ओर आ रही केरला एक्सप्रेस में 4 यात्रियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मौत गर्मी के कारण और दम घुटने की वजह से हुई है। शवों को झांसी में उतारा गया है। बता दें, आगरा से 68 लोगों का ग्रुप कोयम्बटूर जा रहा था, इसी दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। 10 दिन पहले वाराणसी और आगरा घूमने के लिए यह ग्रुप निकला था। गौरतलब है कि देश के बड़े हिस्से में गर्मी का कहर जारी है और यह एक सप्ताह तक बना रहेगा। हालांकि मानसून केरल पहुंच चुका है, लेकिन भीषण गर्मी की स्थिति का सामना कर रहे देश के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों तक मानसून को पहुंचने में अभी कम से कम 7 दिन लगेंगे। अधिकतम तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने से देश में पिछले कुछ दिनों में हीट स्ट्रोक के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में लू चलने की आशंका है। राष्ट्रीय राजधानी और कुछ उत्तरी शहरों में लू अगले कुछ दिनों में गंभीर हो सकती है, जिससे पारे के 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना और आतंकियों के बीच गोलाबारी हुई है। सोमवार हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। दोनों ही आतंकी वहीं के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आतंकियों की पहचान कुलगाम निवासी शायर अहम भट्ट और शोपियां निवासी शाकिर अहमद बगाय के रूप में हुई है। दोनों ही आतंकी अंसार गजवातुल हिंद के हैं और लंबे समय से सुरक्षा बलों को इनकी तलाश थी। इससे पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुबह तड़के सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 1 आतंकी मारा गया था। अनंतनाग जिले के नौगाम साहबाद में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया था। जम्मू और कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों ने इस साल जून तक 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया है। बता दें कि 2019 में अब तक सुरक्षा बलों ने 106 आतंकियों को मार गिराया, वहीं साल 2018 में 254 आतंकियों का खात्मा किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि ऐसा अंधेर मैंने कभी नहीं देखा कि 10 दिन से भोपाल में कोई कलेक्टर नहीं है, कलेक्टर कौन बने इसको लेकर कांग्रेस में होड़ मची है, सरकार ने भोपाल को अंधेर नगरी बना दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यालय में अफसरों की बोलियां लग रही हैं, आज पूरा प्रदेश एक एक बूंद पानी को तरस रहा है और बिजली को भी लेकर काफ़ी परेशानी है, चारों तरफ अराजकता का माहौल बन गया है, डकैत इकट्ठे हो रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, अवैध खनन चरम पर है, प्रदेश में सब कुछ चौपट सा हो गया है। नाच न जाने आगम टेढ़ा, परिस्थितियां संभल नहीं रही, रोज ट्रांसफर कर रहे हैं, झूठे कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है और आरोप हम पे लगा रहे हैं। अगर उपकरण खराब थे तो अभी बिजली क्यों नहीं दीजिए भाजपा की सरकार, जाते जाते उपकरण थोड़ी खरीदे, उपकरण तो 15 साल ही खरीदे, तब बिजली अच्छी थी, इसलिए गड़बड़ हो गई। सपने में भी भारतीय जनता पार्टी नजर आती है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो भाजपा का हाथ है, ये कह दो और बरी हो जाओ, ये नहीं चलेगा। कमलनाथ जी, अब मुख्यमंत्री हो तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। राजधानी भोपाल में नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। वहीं बढ़ते बलात्कार के मामलों को लेकर बीजेपी ने राजधानी के भवानी चौक पर हस्ताक्षर और पोस्ट कार्ड अभियान चलाया। बीजेपी इस अभियान को पूरे प्रदेश में चलाने जा रही है और राष्ट्रपति से बलात्कारियों के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग कर रही है। यह पोस्ट कार्ड बीजेपी राष्ट्रपति को भेजेगी। बलात्कारियों को फांसी की सजा देने का
प्रावधान है, केंद्र की सरकार ने बनाया है। मध्य प्रदेश में 26 लोगों को फांसी की सजा दी गई है, परंतु अभी तक किसी को फांसी के फंदे पर नहीं लटका गया है। परसों हमारे भोपाल में कोटला सुल्तानाबाद में एक दुखद घटना हुई है, एक बच्ची के हाथ पांव को बांध दिया गया, उसके साथ निर्ममतापूर्वक बलात्कार किया गया, सिगरेट से जलाया गया, वे आरोपी पकड़ा गया। भोपाल की जनता मांग कर रही है कि ऐसे आरोपियों को जेल में नहीं रखा जाए, जल्दी से जल्दी उनको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। 26 लोगों को फांसी की सजा हुई है, उनको जल्दी से जल्दी फांसी पे लटकाया जाए, जिससे बलात्कार करने वालों के मन में कानून का डर हो। इसकी मांग को लेकर हमने ये पोस्टकार्ड अभियान चलाया है, कल से अभियान पूरे भोपाल के चौराहों के ऊपर चलेगा। प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने कई मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि उज्जैन और भोपाल के रेपिस्ट पर जल्द ही चालान पुटअप करवा के 1 महीने में दोषियों को सजा दिलवाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर कसा हुआ है, हमारी तमाम कोशिशें रहती हैं लेकिन कई कोशिशों के बावजूद घटनाएँ घट जाती हैं, लेकिन बहुत जल्द हम उसका पर्दाफाश भी करते हैं। हमने भोपाल की घटना में तत्काल 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सारे पुलिस और कर्मचारियों पर हमारी नजर है, अगर कहीं लापरवाही बढ़ती गई तो उसका पूरा महकमा जिम्मेदार रहेगा। बिल्कुल, उसमें और कसावट होना चाहिए, और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परसों की जो भोपाल की जो घटना हुई है, ये परिजनों के द्वारा ये बात निकल कर आई है, हमने तत्काल 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। ऐसा मध्य प्रदेश के सारे जो पुलिस जो कर्मचारी और अधिकारी है उन सब पे हम लोगों की नजर है, और जहां कहीं भी अगर लापरवाही बरती गई या जहां कहीं भी जिस किसी भी थाने क्षेत्र में अगर जो घटना घटेगी तो पूरा महकमा उसका जिम्मेदार रहेगा। नागदा में आज 15 गांव के किसान पानी की समस्या को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन देने पहुंचे। उन्होंने मीडिया को बताया कि गांव में पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जो पानी मिल भी रहा है वह उपयोग के लायक नहीं है, क्योंकि उसमें फैक्ट्री द्वारा छोड़ा जा रहा जहरीला केमिकल मिला पानी आ रहा है, जिससे ग्रामीण बीमार हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया तो किसान आंदोलन किया जाएगा, इसकी जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी, क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। ब्राह्मण समाज सेवा समिति के तत्वाधान में नव युवक इकाई एवं महिला इकाई द्वारा श्री भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा बस स्टैंड के परशुराम मंदिर से प्रारंभ होकर नगर की परिक्रमा करते हुए परशुराम मंदिर पर ही पहुंचकर समाप्त हुई। नगर यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। इन सभी श्रद्धालुओं को जगह जगह ब्राह्मण बंधुओं द्वारा शरबत, लस्सी एवं ठंडाई के साथ इनका स्वागत किया गया। समापन के अवसर पर विजयपुर स्थित कोटारी पैलेस के संचालक एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री दिलीप कुमार सुनील कुमार कोटारी द्वारा समस्त बंधुओं को शानदार स्वल्पाहार एवं शीतल जल मंदिर पर दिया गया। इसके लिए अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र करेरिया जी ने उनका हृदय से आभार व्यक्त किया। तेंदुखेड़ा क्षेत्र से लगे घनघोर गांव में अचानक गैस सिलेंडर फटने से मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया एवं आग लगने से काफी नुकसान हुआ। हालांकि घर में सो रहे परिवार जन पूरी तरह सुरक्षित बच गए। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। घनघोर गांव में अशोक साहू नामक ग्रामीण के मकान में करीब 14 साल की बेटी गैस पर दूध गर्म करके नीचे चली गई थी। पिछले 3 दिन से लाइट न होने के कारण मिट्टी की तेल से एक चिमनी जल रही थी, लेकिन शायद वह गैस सिलेंडर बंद करना भूल गई, जिससे गैस रिसती रही और डिब्बी की लौ से अचानक पूरे मकान में आग लग गई। अशोक ने पूरे गांव वालों को जानकारी दी। लोग पहुंचे लेकिन आग पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया था। डायल 100 को फोन किया लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद तेंदुखेड़ा फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। तत्काल फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। किसी को कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन पूरा मकान क्षतिग्रस्त होने के साथ करीब 6 लाख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। दमोह से राजू प्रिंस की रिपोर्ट। गैस की टंकी फट गई। कितने का नुकसान हो गया? 8-10 लाख को। क्या क्या था? उसमें 3 कड्डू रहे हैं, हाफ कड़धने और क्या कहते हैं सोने की बता दे। सोने की है 5-4 हार है और चूड़ी से 8 है। गल्लू है कल गल्लू 10 बोरा पिसी हती, 4-6 बोरा चार हती। पैसा बता दो। पैसा 1 लाख रुपया, चाहे ज्यादा हो ऊपर 1 लाख से 1,20,000 हो जाए। आग ही लग गई पापा, मेरे को कछु बचाओ ही नहीं, करुणा से पूरे
कितने को नुकसान होगा वो लगभग? कम से कम 5-6 लाख को है भैया, 50,000 तो खाली पैसे ही होते। अच्छा अच्छा, वो फिर राशन पानी? राशन पानी है तो 7-8 बोरा। और का है? और भूसा भूसा है, तो पूरा टीवी टेप सब पूरा भराई भर का। अजयगढ़ के वीरा रोड में ग्राम किशनपुर के पास बने पुरवा में एक मजदूर के कच्चे मकान में अचानक आग लग गई। भीषण आग से गरीब का खाने पीने व गृहस्थी का पूरा सामान चंद मिनटों में जलकर खाक हो गया। मजदूर अच्छेलाल के मकान में आग लगने का मुख्य कारण नगर परिषद अजयगढ़ के द्वारा बनाया गया कचरा घर है, जहां पर प्रतिदिन पूरे नगर का कचरा डाला जाता है। उसमें लगाई गई आग की एक चिंगारी ने आज विकराल रूप लेकर एक गरीब मजदूर के आशियाने को अपना शिकार बना लिया। मजदूर के मकान में लगी आग बुझाने के लिए आसपास के ग्रामीणों के द्वारा पूरी कोशिश की गई, परंतु भीषण गर्मी के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ग्रामीणों को द्वारा सूचना देने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी व नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी देर बाद घटनास्थल पर पहुंची, तब तक गरीब का आशियाना जलकर खाक हो गया था। अजयगढ़ से अनिल गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।